सो हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड नून या गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल डे ड्रीमर भावुक। एंड आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें मैं बताने वाला हूँ दैट यू शुड यू नो डेफर और वेट फॉर योर रिजल्ट्स, क्योंकि बहुत लोगों ने जनवरी के लिए पोस्ट की हुई है, अपनी फाइल लॉन्च की हुई है एंड अभी स्नो पड़ रही है, यू कैन चेक इट आउट, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ। आई थॉट दैट आई मस्ट मेक अ वीडियो ऑफ यू नो डेफर और वेट टू टेल यू गाइस कि हाँ मतलब आपको वेट करना चाहिए, वर्थ इट है वेट करना या नहीं, ये भी मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं PPRs की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अभी मेरा फुल टाइम हो जाने वाला है, मतलब फुल टाइम छुट्टी हो जाने वाली है मेरी, 4 महीने का ब्रेक है। सो आई विल बी मेकिंग मोर एंड मोर व्लॉग्स, आप स्ट्रिक्ट रहना मेरे चैनल पे, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। सो मिल गया हमको टेम्परेरी ट्राइपॉड मेरे पास अभी नहीं है, मेरे को लेना है स्टैंड जो होता है बेसिकली, जिनको नहीं पता, स्टैंड मेरे को लेना है, मैं ढूंढ रहा हूँ। और आज ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई है और स्नो देख रहे हो आप, मेरी जैकेट पे भी स्नो आ चुकी है अभी। तो फिलहाल मैं बात करने वाला था डेफर या वेट। डेफर आप कर सकते हो और डेफर ही सबसे ज़्यादा एक अच्छा सीन रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आपने नवंबर में फाइल लॉन्च की है अपनी, सो यू शुड डेफर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं जो लॉन्च हुई हुई हैं IRCC के पास, एम्बेसी के पास, एंड आपको डेफर करना ही पड़ेगा जो आपने नवंबर में फाइल लॉन्च की है तो, ठीक है। उसके बाद मैं एक बात बता दूं, जिन्होंने नवंबर से पहले फाइल लॉन्च की हुई है वो वेट कर सकते हैं टिल 10th of December। 10th of December के बाद आपको अपना डेफर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कॉलेज की तरफ से आपको जवाब आ जाएगा कि हमारी सीट फुल है। अगर आप टू बी कन्फर्म, टू बी यू नो डबल चेक रहना चाहते हो, सो यू शुड यू नो मेल योर कॉलेज दैट हाँ कि हम वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का, हमने इस डेट को अपनी फाइल लॉन्च की थी एंड वी वांट टू नो वेदर आवर सीट्स विल बी वेकेंट और विल बी टेकन बाय अदर गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फाइल लॉन्च की हुई है, कॉलेजेस ओवरफिल्ड जा रहे हैं, कॉलेजेस की जितनी सीट्स रहती हैं उससे भी बहुत ज़्यादा सीट्स वो दे रहे हैं लोगों को, बहुत सारे वीज़ास दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो पहले वेट कर रहे थे अपने जो कहते हैं सितंबर इनटेक का, वो आए जैन के लिए, जैन में भी रिजल्ट नहीं आया, वो जा रहे हैं मई के लिए। तो आप जो नवंबर में जिन्होंने फ्रेश फाइल लॉन्च की है उनको रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि बैकलॉग अब वो कंसंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स बैकलॉग की उनके पास इकट्ठी हो गई हैं। और जो उन्होंने TR to PR अप्लाई होता है, मतलब जो टेम्परेरी वीज़ा, टेम्परेरी रेजिडेंस टू परमानेंट रेजिडेंस होता है, उसको अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है वो सारी फाइल्स को, ताकि वो अपने स्टूडेंट के फाइल को एंटरटेन कर सकें, लॉन्च कर सकें। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए कि हमें डेफर करना चाहिए या वेट करना चाहिए। मैं भी इन चीज़ों में फंसा हुआ था और मेरे को भी मतलब कोई रास्ता दिखता नहीं था, उस टाइम कोई वीडियोस भी नहीं बनाता था, अब तो शायद बनाते हैं लोग, और उस टाइम पे मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, लेकिन अराउंड मैंने 10 मंथ्स के पहले वीडियोस बनानी शुरू की थी, लेकिन मैं इन चीज़ों में काफ़ी टाइम से लगा हुआ था एंड आई वॉज़ नॉट गेटिंग चांस टू बी हेयर, बट आई गॉट हेयर ऑन सेप्टेम्बर। और अभी मेरे 2 सेमेस्टर पूरे हो गए हैं अराउंड, और मेरा 4 महीने का ब्रेक है इसके बाद। सो आई विल बी मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज, एंड ऐसे ही वीडियोज़ आने वाली हैं, इन्वेस्ट करने वाला हूँ अब मैं बहुत सारा। सो आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एंड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने डेफर से रिलेटेड, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, सो यू मस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड यू मस्ट फॉलो मी देयर, एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर एंड मोर वीडियोज़, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ओवर देयर, सो यू कैन गेट मी देयर एंड यू कैन जस्ट कमेंट डाउन हेयर ऑल्सो, आई ट्राई टू गेट यू विद इन 24 आवर्स। लेकिन मेरे नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, सो थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी रह सकता है, वुड बी वेरी सॉरी फॉर दैट। और मत बस यही बात याद रखना, नवंबर से पहले अगर लॉन्च की है तो 10th December से एक्सीड मत होना, 10th December को अपनी डेडलाइन रखना अपना डेफर लेटर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा और बाद में छुट्टियां आ जाने वाली हैं,
तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, आपकी फाइल लॉज नहीं होने वाली, तो एंटरटेन नहीं होने वाली। लॉज तो आप इंडिया से कर दोगे लेकिन एंटरटेन नहीं होगी। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना फाइल डेफर कर दो, वही बेटर है। थैंक यू सो मच। एंड जो नहीं है मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लाला भावुक, पीस आउट।